दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय अमन भला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पठानकोट। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा अवैध खनन के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत आज पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र के छौंच खड्ड में अवैध खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पोकलेन मशीन, एक लोडर व दो टिपों को जब्त किया गया है। इस बारे में थाना इंदौरा में आईपीसी की धारा 379 और 21 माइंस एंड मिनरल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बारे में 5 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गौरतलब है कि जिला पुलिस नूरपुर द्वारा इस साल 2024 में अवैध खनन माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए 13 फरवरी 2024 अवैध खनन माफिया के खिलाफ 2 अभियोग दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा खनन अधिनियम के अधीन अभी तक 89 चालान किए गए और आरोपियों से कुल 6,01,150 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस का अवैध खनन के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नूरपुर से बलजीत चंबियाल व सुनील दत्त की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय अमन भला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पठानकोट। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा अवैध खनन के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत आज पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र के छौंच खड्ड में अवैध खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पोकलेन मशीन, एक लोडर व दो टिपों को जब्त किया गया है। इस बारे में थाना इंदौरा में आईपीसी की धारा 379 और 21 माइंस एंड मिनरल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बारे में 5 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गौरतलब है कि जिला पुलिस नूरपुर द्वारा इस साल 2024 में अवैध खनन माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए 13 फरवरी 2024 अवैध खनन माफिया के खिलाफ 2 अभियोग दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा खनन अधिनियम के अधीन अभी तक 89 चालान किए गए और आरोपियों से कुल 6,01,150 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस का अवैध खनन के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नूरपुर से बलजीत चंबियाल व सुनील दत्त की रिपोर्ट।